गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर पैथोलॉजी क्लास। एक्चुअली पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। और तीनों ही जो सेक्शंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है इन तीनों सेक्शंस को साथ मिलाकर के ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, मतलब सब इक्वल हैं, तो आप किसी को भी आगे पीछे कैसे पढ़ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लिनिकल पैथोलॉजी, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। एक्चुअली क्लिनिकल पैथोलॉजी के जो है 8 चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस के अंदर हैं, जैसे CSF एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, इसके अलावा बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन, सीमन एनालिसिस, पट्टम एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन। ये टोटल 8 चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में है, और ये आठों के आठों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और सभी चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूरा पूरा चैप्टर एक साथ पूछा जाता है ना, ये पूरा एक टॉपिक पूछा जाएगा, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CSF एग्जामिनेशन, शॉर्ट नोट ऑन सीमन एनालिसिस, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ CSF एग्जामिनेशन, जो हमारे को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो CSF एग्जामिनेशन के ऊपर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक आज अपना पढ़ रहे हैं वो है CSF एग्जामिनेशन। तो देखिए CSF एग्जामिनेशन हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। CSF क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि आप जानते हैं एनाफिजियो के अंदर आपने पढ़ा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम में जो स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है और स्कल में जो ब्रेन पाया जाता है, उसके चारों तरफ सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह स्पाइनल कॉर्ड के भी चारों तरफ होता है, ब्रेन के चारों तरफ भी होता है, और क्योंकि इन दोनों के चारों तरफ है तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है किससे? किसी भी तरह की इंजरी से। कोई भी इंजरी, हमारे सिर पे कोई चोट लगी तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी यादाश्त चली गई फिल्मी स्टाइल के अंदर, ऐसा नहीं होता है। कोई इंजरी लगी तो उस इंजरी से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये CSF एज अ फ्लूइड कुशन एक्ट कर रहा होता है ब्रेन के चारों तरफ। ये कुशन की तरह है, तो जो चोट है उसको ये अपने अंदर ले लेगा, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा। तो पहला काम तो है CSF का प्रोटेक्शन देना हमारे ब्रेन को, और दूसरा हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना और वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से रिमूव करना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्लड के द्वारा। ब्लड और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट का आदान प्रदान, न्यूट्रिएंट ये लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेन देता है CSF के द्वारा ब्लड को और ब्लड से। तो ये CSF है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ सब एरेक्नॉइड स्पेस में पाया जाता है, उनका प्रोटेक्शन करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कि अब ये CSF जो पाया जाता है, ये CSF बनता कैसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये CSF बनता कैसे है। तो CSF इज फॉर्म्ड प्राइमरली इन वेंट्रिकुलर कोरोइड प्लेक्सस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्टिव प्रोसेस एंड अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। कि CSF प्राइमरीली हमारे वेंट्रिकुलर कोरोइड प्लेक्सस में बनता है दो प्रोसेस के द्वारा, एक तो होता है एक्टिव प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस का नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा ये बन रहा होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है? इसमें प्लाज्मा का हो रहा है, और जो कोरोइड प्लेक्सस का सीक्रीशन होता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर वो इसमें रोल प्ले करता है। अब इसके अलावा CSF जो है उसकी बनने की रेट होती है 500 ml पर डे की रेट से CSF बनता है, जो मैं बोल रही हूँ आप उसे भी नोट करते रहिए। CSF इज़ प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 500 ml पर डे। टोटल CSF एडल्ट्स के अंदर 90 से 150 ml पाया जाता है, जबकि बच्चों के अंदर 10 से 60 ml CSF पाया जाता है। इसके अलावा CNS के अंदर जो होम्योस्टासिस है उसको ब्लड ब्रेन बैरियर BBB मेंटेन कर रहा होता है, और ये कुछ कंपोनेंट्स के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, जैसे कि कुछ
चीज़ें हैं जिनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंपैरिजन में सीएसएफ में ज़्यादा पाई जाती है और कुछ की कंसंट्रेशन सीएसएफ में प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम पाई जाती है। अब जिनकी ज़्यादा पाई जाती है वो है सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ग्लूटामिन, ये सब तो सीएसएफ में प्लाज्मा के कंपैरिजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि ग्लूकोज पोटेशियम कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड आयरन थायरॉक्सिन जिंक इन सब की कंसंट्रेशन सीएसएफ में थोड़ी कम होती है। अब इसके बाद जो मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ बोले जितनी भी लाइंस बोली वो इस डायग्राम के अंदर बताई गई हैं कि कैसे ये सीएसएफ जो है ये देखिए ये इस तरह से ये बन रहा होता है ब्रेन के अंदर। ये राइट वेंट्रिकल सीएसएस ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई गई है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल, चार वेंट्रिकल्स होती हैं और ये फिर फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये आगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कंटिन्यू होती हुई आपको दिखाई गई है और स्पाइनल कॉर्ड सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड फिल्स सीएसएफ जो है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ है, वेंट्रिकल्स में भरा हुआ है, ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो कंट्रोल करता है कुछ सॉल्यूट्स को जो सीएसएफ ब्लड में घुस रहे हैं, तो सॉल्यूट्स के हमने नाम भी यहाँ पर बोले है ना। तो ये तो हुआ कि सीएसएफ बनता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। अब हम देखें कि सीएसएफ कैसा दिखता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं। तो नॉर्मल सीएसएफ जो है कलरलेस फ्लूड है जिसकी पीएच कलरलेस क्लियर फ्लूड है जिसकी पीएच 7.28 से 7.32 होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन वाटर के कंपैरिजन में उसके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कहते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 से लेकर 1.004 तक। अगर हम सीएसएफ को थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दें, टेस्ट ट्यूब में रख के छोड़ दें, तो इसमें किसी भी तरह कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें टोटल 0.85 से लेकर 1.70 ग्राम पर डीएल तक सॉलिड्स पाए जाते हैं और इसकी प्लाज्मा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 40 से 44 mmHg होती है। तो ये नॉर्मल सीएसएफ के करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमें नॉर्मल सीएसएफ के करैक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि हमें जब पता होगा कि नॉर्मल ऐसा है तो उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें पहले नॉर्मल चीज़ें उसकी पता हो कि भाई ये कलरलेस है। तो अगर आपको कोई कलर दिख रहा है, पीला दिख रहा है, हरा दिख रहा है, नीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, तो आप कलर देख करके बता सकते हो इसका मतलब सीएसएफ के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी में सीएसएफ एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी एक्चुअली वही पैथोलॉजी जिसके अंदर हम किसी बीमारी को किसी कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस कैसे करते हैं, उसका टेस्ट लगा करके, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल ये टेस्ट लगा रहे होते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में ये आ रहा होता है, कलर देख सकते हो आप, पीएच अपीयरेंस देख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसमें सॉलिड्स कितने हैं, उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसी है। तो करैक्टरिस्टिक्स हमने नॉर्मल सीएसएफ के पढ़े। अब नॉर्मल सीएसएफ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, हमने कहा ना टोटल सॉलिड्स इतने हैं, तो क्या हैं एग्जैक्टली वो सॉलिड्स क्या हैं। तो देखिए टोटल अगर अपन कंपोजिशन देखें सीएसएफ की, तो सीएसएफ में प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज है, यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन कोलेस्ट्रॉल अमोनिया इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम एंड सम सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स भी पाई जा रही होती हैं। इनकी नॉर्मल यूनिट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे प्रोटीन्स 15 से 45 mg/dL होता है, तो अगर प्रोटीन आपको सीएसएफ में ज़्यादा मिल जाए वो एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करे, या कम मिल जाए तो भी एबनॉर्मेलिटी है। ग्लूकोज 50 से 80 mg/dL, प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी, एल्ब्यूमिन 50 से 70% होता है और रिमेनिंग ग्लोबुलिन होता है। यूरिया 6 से 16 mg/dL है, यूरिक एसिड 0.5 से 3 mg/dL, क्रिएटिन 0.6 से 1.2 mg/dL है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह जो आपको रीडिंग दी हुई है एज इट इज़ आपको ऐसी कैसी रट्टा मारनी है एग्जाम के अंदर लिखनी है, क्योंकि ये रीडिंग्स कोई समझने की चीज़ नहीं है, टॉपिक समझने का होता है, रीडिंग समझने की नहीं है। रीडिंग तो आपको सीधी रट्टा मारनी है एग्जाम के अंदर लिखनी है। अब हमारा मेन फोकस क्या है, सीएसएफ एग्जामिनेशन हमारा मेन फोकस है, क्योंकि ये तो हमने सीएसएफ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सीएसएफ क्या है, कैसे बनता है, कैसा दिखता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। अब सीएसएफ एग्जामिनेशन हमें कब कब करना होता है या क्यों करना होता है, तो सीएसएफ एग्जामिनेशन हम करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई मेनिंजाइटिस तो पर्सन को नहीं हुई, मेनिंजाइटिस एक दिमागी बुखार है,
एंसेफेलाइटिस तो नहीं हुई, एंसेफेलाइटिस भी दिमागी बुखार है, मेनिनजाइटिस में ब्रेन की जो तीन लेयर्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड स्पेस, एंसेफेलाइटिस वायरस से होने वाला ब्रेन का इन्फ्लामेशन है, इसके अलावा मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेट्स, मैलिग्नेंट वर्ड अपन कैंसर के लिए काम में लेते हैं, तो कैंसर की सेल्स तो नहीं घुस गई हैं सीएसएफ के अंदर, जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया में होता है या लिम्फोमा में ऐसा देखा जा रहा होता है, तो हमारे को ये देखना है। या फिर किसी तरह की कोई दिमाग पे चोट तो नहीं लगी है, चोट लगने से कोई खून बह रहा हो दिमाग के अंदर, इंटरनल चीज़ें चल रही जो हमें नहीं पता चल रही, लाइक सब एरेक्नॉइड हैमरेज हो गया हो, या फिर कोई डिसऑर्डर हो गया हो कि लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन हो रहा हो सीएनएस के अंदर, जैसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी में हो जाता है, या सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पान एंसेफेलाइटिस में ऐसा हो जाता है, या फिर कोई स्पाइनल कैनाल में ब्लॉकेज आ गया हो जिससे कि इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ गई हो, तो ये भी चीज़ें हम डायग्नोस करते हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो हमें सीएसएफ एग्जामिनेशन कब कब करना है, तो बैक्टीरियल वायरल या फंगल की वजह से कोई मेनिनजाइटिस हुआ हो, एंसेफेलाइटिस हुआ हो, मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेट जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया या लिम्फोमा की वजह से, सब एरेक्नॉइड हेमरेज के केस में, कोई बीमारी के केस के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा बन रही हो, स्पाइनल कैनाल में ब्लॉकेज आ गया हो, तो हमें सीएसएफ एग्जामिनेशन करना होता है। नेक्स्ट चीज़ के भाई सीएसएफ एग्जामिनेशन तो हमारे को करना है, तो कलेक्ट कैसे करेंगे हम सीएसएफ को और उसको हैंडल कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ सीएसएफ। तो सीएसएफ जो है यूजुअली हम लंबर पंक्चर के द्वारा करते हैं, और लंबर पंक्चर के लिए हमारे को एलपी निडल, एक स्पेशल निडल होती है, एलपी निडल के नाम से वो मिलती है, वो हमारे को लेनी है। इस निडल को आप देखेंगे तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई लिए होती है, प्लैटिनम या जर्मन एलॉय की बनी हुई होती है। इसमें निडल के साथ में स्टाइलेट होता है, स्टाइलेट में पिन होती है जो कि निडल के हेड में फिट अच्छे से हो जाती है। ये स्टाइलेट जो है वो निडल को स्टेबल बना करके रखता है, हिलने नहीं देता है, जहाँ पर हम उसको रखना चाहते हैं वहाँ पर रहेगा, ये काम होता है स्टाइलेट का। अब ये आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर आप उस एनपी निडल को इंजेक्ट करके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो आप कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, आपको पेशेंट को जो है वो बेड के एज के साइड में लिटाना है, जिसमें नी को तो ऊपर और हेड को थोड़ा सा फ्लेक्स रखेंगे, घुटनों को ऊपर ला करके हेड को फ्लेक्स करिए पेशेंट के, और फिर जो थर्ड लंबर स्पेस है उस जगह पर से आपको जो जो कि जो जॉइंट्स है जो हाईएस्ट पॉइंट इलियक क्रेस्ट के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट्स के जॉइंट्स में ये स्पेस पाया जा रहा होता है, वहाँ से आपको सैंपल को कलेक्ट करना है। इसके स्किन जो है इसके ऊपर की स्किन जो लोअर थोरेसिक वर्टिब्री से कॉकिक्स तक की स्किन होती है वहाँ से आपको पहले उसको स्टरलाइज करेंगे। कोई भी जो भी आपके पास स्टरलाइजिंग एजेंट है आप उसको काम में ले सकते हो, ईथर, आयोडीन स्प्रेड वगैरह कुछ भी आप जो है वो एजेंट काम में लेकर के पहले स्टरलाइज करिए। फिर आपको लोकल एनेस्थीसिया देना है स्किन को पंक्चर करने से पहले, 5 ml आप जो है 2% लिग्नोकेन आप लेंगे, 2% लिग्नोकेन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया है जो अपन दे रहे होते हैं, तो 5 ml आपको इंजेक्शन के थ्रू लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करना है, क्योंकि पर्सन को इसमें बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है, तो पहले उस जगह को आपको सुन्न करना है सैंपल कलेक्ट करने से पहले। फिर जब आपने जगह ढूंढ ली है, एनेस्थीसिया लगा दिया है, तो अब आपको पंक्चर करना है, जिसमें एलपी निडल को स्टाइलेट के साथ में आप इंट्रोड्यूस करिए एनेस्थीसिया देने के 2 से 3 मिनट के बाद में। फिर आपने जैसे इंजेक्ट करी तो निडल को आपने इंट्रोड्यूस करवाया स्लाइटली अपवर्ड और फॉरवर्ड 5 डिग्री पर, ये ध्यान रखते हुए कि उसके डिस्क में किसी भी तरह कोई इंजरी ना हो। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट और इंटर स्पाइनस लिगामेंट के थ्रू आप ये अंदर डालेंगे 4 से 7 सेंटीमीटर तक, और फिर आप निडल जो है एंटर हो जाती है इस रास्ते से होती हुई ड्यूरा मैटर के अंदर,
जब ये एंटर हो गई तो आप स्टाइलेट को वहाँ से निकाल लीजिए और फ्लूड को बाहर लेकर के स्टराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लीजिए। पर ये लेने से पहले आपको CSF का प्रेशर ज़रूर नोट कर लेना है, इससे पहले कि आप सैंपल लें। सैंपल लेने से पहले आप मैनोमीटर LP निडल के साथ में जोड़िए और CSF का प्रेशर नोट करिए। CSF का प्रेशर नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो CSF प्रेशर, एक्चुअली नॉर्मल CSF का प्रेशर एक एडल्ट में जो है वो 90 से 180 mm ऑफ वाटर होता है लेटरल पोजीशन के अंदर, जबकि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर 10 से 100 नैनोमीटर इसकी रेंज जो है वो पाई जा रही होती है वाटर के साथ में। एडल्ट लेवल जब वो 6 से 8 साल का हो चुका होता है तो उसके बाद इसके एडल्ट लेवल की वैल्यू आपको दिखाई देगी CSF के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जो है वो CSF का प्रेशर मैनोमीटर को LP निडल के साथ में लगा करके नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया प्रेशर, तो हमने प्रेशर के लिए बोला कि भाई कितना होता है ये प्रेशर, 90 से 180। कई बुक्स जो हैं वो 70 से 150 mm ऑफ वाटर कॉलम भी बताती हैं, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, उसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने CSF जो है वो कलेक्ट कर लिया है। स्पेसिमिन कलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि मोस्ट कॉमन जो साइट है वो अपन लंबर पंक्चर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, पर इसके अलावा आप वेंट्रिकुलर कैन्यूलास और सिस्टर्नल पंक्चर के थ्रू भी सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिमिन कलेक्शन में तीनों नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, लंबर पंक्चर भी करते हैं, वेंट्रिकुलर कैन्यूलास के थ्रू भी लेते हैं और सिस्टर्नल पंक्चर के थ्रू भी आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब जब आपने निडल इंजेक्ट कर दी, आपने प्रेशर नोट किया, तो अपन जब CSF को लेंगे, जब अपन निकालेंगे, ड्रॉन आउट करेंगे, तो लगभग नॉर्मली 2 ml तक CSF अपन एक बार में ड्रॉन करते हैं, फिर उसके बाद तुरंत उसको लैब में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। आपको ऐसा नहीं कि लेकर रख लिया फिर बाद में जब जाएंगे तो पकड़ा देंगे लैब में, ये नहीं होता कभी भी। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको लैब में वो सैंपल पहुंचाना है, नहीं तो जो सेल्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देना वो शुरू कर देंगी, जो कि हमारे को नहीं करना है, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अब दूसरा, मैंने कहा कि भाई CSF का प्रेशर आपको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि CSF का प्रेशर नॉर्मल है या नॉर्मल से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि CSF का अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो इंडिकेट करता है मेनिनजाइटिस को, CHF को, सेरेब्रल एडिमा को, थ्रोम्बोसिस को, ब्रेन में कोई लेजन हो गया हो या सुपीरियर वेना केवल सिंड्रोम हो गया हो, इन सारी बीमारियों को इंडिकेट करता है। मेनिनजाइटिस में भी सिर्फ क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस में ही CSF का प्रेशर बढ़ता है और किसी में नहीं बढ़ता। क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस फंगल मेनिनजाइटिस का नाम है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी हम अपने सिस्टमिक पैथोलॉजी में इसको पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगी वहाँ पर, ये मैं पढ़ाऊँगी आपको। इसके अलावा कंजासिव हार्ट फेलियर, CHF के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है, सेरेब्रल एडिमा, एडिमा क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, कंजेसिव हार्ट फेलियर हम पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसिस वीनस साइनोसिस में हो जाता है, थ्रोम्बोसिस नाम का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, ब्रेन में मास लेजन्स हो जाते हैं या फिर सुपीरियर वीना कैवल का सिंड्रोम हो जाता है, तब भी CSF बढ़ जाता है। और CSF का प्रेशर कम कब होता है? अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, आपका सर्कुलेशन रुक गया है, कोई रुकावट आ गई है, या CSF के इंजरी वगैरह की वजह से कुछ लीकेज हो रहा है CSF के अंदर, या स्पाइनल एरेक्नॉइड ब्लॉकेज कोई आ गया है, तब भी जो CSF का प्रेशर है वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन से, सर्कुलेटरी कोलैप्स से, CSF के लीकेज की वजह से या स्पाइनल सब एरेक्नॉइड ब्लॉक की वजह से CSF का प्रेशर कम हो जाता है। अब कुछ चीज़ें हमारे को, जब अपन प्रेशर को नोट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी है, जैसे कि जैसे रिलैक्स्ड पेशेंट के अंदर जो ओपनिंग CSF प्रेशर 200 mm से ज़्यादा होता है, वाटर के 200 mm से ज़्यादा होता है, पर 2 ml ज़्यादा फ्लूड अपन को नहीं लेना है एक बार में। मैंने आपको पहले भी बोल के बता चुकी, 2 ml फ्लूड एक बार में अपन को कलेक्ट करना है,
तो जब अपन कलेक्ट करेंगे 1 से 2 ml CSF, तो अचानक जो CSF का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि पर्सन को या तो हर्निएशन हो रहा है, स्पाइनल ब्लॉक हो रहा है उस पंक्चर साइट के ऊपर। इस तरह की सिचुएशन में अपने को फिर ये वाली कंडीशन आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। लगभग 6 से 8 ml CSF आप हाईएस्ट ले सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा करो तो 20 ml तक आप ले सकते हो, पर नहीं लेना चाहिए, 2 ml तक सफिशिएंट होता है हमारे लिए। और अगर अपन इतना सैंपल ले रहे हैं तो अपन को 3 स्टेराइल टेस्ट ट्यूब्स के अंदर उसको कलेक्ट करना है। ये टेस्ट ट्यूब्स हमने जब भी जो भी कर जितना भी अमाउंट हमने लिया, तो 3 टेस्ट ट्यूब्स में आप लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में अपन माइक्रोबियल एग्जामिनेशन करेंगे और उस सैंपल का कल्चर लगाएंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर 2.5 से 3 ml अगर आप ले रहे हैं सैंपल, तो उसका अपन बायोकेमिकल टेस्ट लगा सकते हैं और इम्यूनोलॉजिक स्टडी जो है अपन उस सैंपल की कर सकते हैं। और तीसरी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सेल काउंटिंग की जाती है, डिफरेंशियल काउंट किया जाता है, साइटोलॉजिकल स्टडी की जाती है कि भाई कोई सेल्स अगर उसके अंदर पाई जा रही है। नॉर्मल CSF में कोई सेल्स नहीं होती, तो कोई सेल्स अगर दिख रही हैं तो वो कौन सी सेल्स हैं, कितनी सेल्स हैं, वो अपन तीसरी टेस्ट ट्यूब से देखेंगे। दूसरी से बायोकेमिकल और इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और पहली टेस्ट ट्यूब से माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कल्चर अपन लगाएंगे। इस तरह से CSF को एग्जामिन अपन को करना है। अब जब आपने CSF का सैंपल ले लिया है, तो उसके उसको हैंडल करने के एक्चुअली कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे को ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना हैंडलिंग ऑफ CSF सैंपल, कि आप CSF सैंपल को कैसे हैंडल करेंगे। तो जो CSF सैंपल है उसको अपने को एक तो तुरंत एग्जामिन करना है आधे घंटे के अंदर अंदर, भाई हाईएस्ट हो तो 1 घंटा होता है, अदरवाइज आप आधे घंटे के अंदर अंदर एग्जामिन कर लीजिए, ताकि आप अगर कोई सेल काउंट करना चाह रहे हैं तो वो एकदम सही आए, ग्लूकोज लेवल कम ना हो जाए, ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए हमारे को क्या आधे घंटे के अंदर अंदर CSF का एग्जामिनेशन करना होता है। वरना सेल काउंट बढ़ जाती है, घट जाती है, और ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है अगर हमने थोड़ी लेट कर दी तो CSF एग्जामिनेशन से, तो फिर रिजल्ट गलत आएगा, रीडिंग गलत आएगी, तो हम जो चीज़ डायग्नोस करना चाह रहे हैं वो डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा, CSF सैंपल जो अपन बैक्टीरियल कल्चर के लिए कर रहे होते हैं, उसको तुरंत इमीडिएटली अपने को प्रोसीजर में लाना है। ना तो आप उस सैंपल को रेफ्रिजरेट में रखेंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर की वजह से नाइजीरिया मेनिनजीटाइडिस जैसे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और CSF देख रहे हैं, मेनिनजाइटिस देख रहे हैं, तो मेनिनजाइटिस कहीं बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, तो वो बैक्टीरिया नाइजीरिया मेनिनजीटाइडिस, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टॉपिक पढ़ा है। नाइजीरिया मेनिनजीटाइडिस वो बैक्टीरिया है जो CSF को एबनॉर्मल बना देता है, क्योंकि ये ब्रेन में मेनिनजाइटिस कॉज कर देता है। तो ये बैक्टीरिया लो टेम्परेचर में मर जाता है, इसलिए हमारे को CSF सैंपल को लो टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करना है। दूसरा, स्पेसिमेन को अगर बायोकेमिकल टेस्ट लगाना है, तो आप 2 से 8 डिग्री पर थोड़े 2-3 घंटे के लिए छोड़ भी देंगे, थोड़ा बाद में करेंगे तो भी चलेगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर बैक्टीरिया को आपको हाथों हाथ ही एग्जामिन करना है। इसके अलावा CSF की पाइपेटिंग जो है वो बहुत केयरफुली करनी है, CSF की हैंडलिंग बहुत केयरफुली करनी है, ऐसे लैब पर्सन के द्वारा जो बहुत अच्छे से काम करना जानता है, विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, कंटेजियस, क्योंकि रीज़न क्या है कि भाई इसमें विरुलेंट ऑर्गेनिज़म्स वगैरह पाए जा रहे होते हैं, और ये काफ़ी डेंजरस होता है इसको हैंडल करना, कलेक्ट करना, तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको आप कितने सैंपल किस टेस्ट के लिए स्टोर कर सकते हो, किसको हाथों हाथ आपको काम में लेना है, और बहुत सावधानी रखनी है, बहुत प्रिकॉशंस, एसेप्टिक कंडीशन को फॉलो करना है। फिर नोट करके हमने लिखा है कि CSF सैंपल बहुत ही प्रीशियस होता है, क्योंकि एक इन्वेजिव प्रोसीजर, भाई ऐसा नहीं है कि मैंने अभी CSF सैंपल लिया और मैं सही उसका टेस्ट लगा नहीं पाई, मेरे रिजल्ट सही नहीं आए, या मुझे लेट हो रही थी, अभी इस समय घर जाना था, फिर मैं शाम को आके लगा लूँगी, तब तक वो ख़राब हो गए, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा सैंपल ले लूँगी, ऐसा नहीं होता है। ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, पर्सन को बहुत पेन हो रहा होता है, तो हमारे को बार बार नहीं सैंपल लेना होता है। हमने एक बार सैंपल ले लिया, उसी को बहुत केयरफुली हमारे को हैंडल करना है, उस पर बहुत अच्छे से वर्क करना है। इसलिए केयरफुल और इकोनॉमिक हैंडलिंग जो है सैंपल की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
केमिकल्स भी इसके महंगे आ रहे होते हैं, पर्सन को भी दर्द हो रहा है, आपकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। CSF को कलेक्ट करते समय, उसको हैंडल करते समय ये बात हमारे को ध्यान रखनी है, नहीं तो चीज़ें बहुत आपको महंगी पड़ जाएंगी। तो केयरफुल इकोनॉमिक हैंडलिंग जो है हमारे को करनी होती है। अब CSF में क्या क्या एग्जामिन आप कर सकते हो, तीन तरह के एग्जामिनेशन हम करेंगे, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये तीनों नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अपन आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो यूरिन का है, चाहे वो ब्लड का है, चाहे वो सीमेन का है, सब में हम ये तीनों नाम पढ़ेंगे कि हम या तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, या केमिकल एग्जामिनेशन CSF का करते हैं। अब ये एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आपका ये टॉपिक। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि CSF को ख़त्म कर लें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेल अपना कर दीजिए, मुझे आपका मेल मिल जाएगा, मैं आपके डाउट्स जो हैं वो दूर कर दूँगी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करें।